अभी तक तो देखिए मैंने ज़्यादा चैनल को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि आजकल आप जिस तरह से हमारे कंट्री इतना कंट्रोवर्सी से गुजर रहा है, हमारी जो इंडस्ट्री है, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पर देखिए हर बार बिग बॉस होता है, एक नया तरीके का एपिसोड लेके आते हैं, तो डेफिनेटली सलमान भाई पहले कहते वो नहीं करेंगे, अब इस बार सलमान भाई फिर कर रहे हैं शो को। कपिल और मेरे दोस्त जा रहे हैं इसके लिए, तो आई थिंक सो मनोरंजन ही होगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपने कहा दोस्त जा रहे, कितने एक्साइटमेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज वन ऑफ माई टू ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर गोइंग इनसाइड दी। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट। जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि देखो बिग बॉस का जो लोग, बहुत से लोग सोचते हैं शो स्क्रिप्टेड है, लेकिन अभी देखिए जो मेरे टाइम पे बिग बॉस था, इट वॉज अ कम्प्लीटली वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेरियो, बिकॉज वेन यूर इन द हाउस यू आर इन द हाउस, आपका कोई नाता बाहर से नहीं होता है। पर अभी जिस तरह से अभी देखिए एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, कपड़े आते हैं बाहर से, स्टाइलिस्ट आ गए हमारे, हमने तो एक सूटकेस पढ़ के हम लोग अंदर चले गए थे, हमको उसी में अपने आप को स्टाइल करना पड़ता था, पर अब कपड़े आते हैं तो अब होल शोज लुकिंग वेरी गुड। हाँ, मेकअप भी आते हैं। ओजस को इस बार ऑफर हुआ था बिग बॉस, इन्होंने मना कर दिया था। बाय द वे हर साल कॉल करते रहते हैं, मैंने वो आई पिक्चर किया, वो बहुत हो गया मेरे लिए, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग ऑन द आइसिंग ऑन द केक, और मुझे इसके लिए टच विद पेमेंट भी बहुत अच्छा मिला, बिकॉज यू नो साउथ की डायरेक्टर शंकर इज अ वेरी जेनरस मैन, सो आई थिंक दैट वाज गुड। बट आई थिंक मेरी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी अगर हम बिग बॉस में जाएंगे तो, प्लस हमारा काम है, हम लोग सब फ्रीलांसर्स है, तो हम लोग सीजन टाइम में काम छोड़ के ये सब करने जाएंगे तो हमारा काम से बेईमानी हो जाएगी ना। Although it is a very nice thing, I'm sure it's a full-on entertainment. किसमें किसी को भी नीचा तो नहीं दिखाया जाता, but I think to reach their own. The last time काफी hit रहा show, मतलब TRP भी काफी hit रही, तो आपको लगता है इस समय वो काफी मतलब चुनौती रहेगी? लास्ट टाइम तो बिग बॉस लगता है पूरा 6 महीने बिग बॉस ही खुलाया, उनके बेचारों की किस्मत देखो, जैसे ही वो बाहर निकले पैसे कमाने का टाइम था, लॉकडाउन हो गया। सबके धरे के धरे लगे, सब बड़े चल रहे थे, अब तो हमने पैसे दो तो घर बन जाएंगे सबके। क्योंकि ये जो होता है ना, बस ये 6 महीने का ड्रामा होता है, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी मैंने भी देखी है, यू नो लाइक दिल्ली में जब मैं गया था, उतरा था बिग बॉस के बाद, 550 लोगों की भीड़ लग गई थी, पुलिस बुलाना पड़ा था, जब मैं एयरपोर्ट में था, तो वो एक फेम उस टाइप का रहता है, एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका कमाने का असर रहता है, तो आई रियली पिटी देम। एंड ऑफकोर्स देखिए ना, ऐसा चाइना ने कोरोना छोड़ा हमारे ऊपर, सो आई थिंक यस ऑफकोर्स, सो बट आई एम श्योर दे ऑल आर गोइंग टू डू वेरी वेल, एंड नेक्स्ट सीजन विल बी ऑल्सो सुपर डुपर हिट लाइक प्रीवियस सीजन।